राधे राधे, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया, और आपका स्वागत है। देखिए, हमारे देशभूमि उत्तराखंड और अल्मोड़ा, हमारी छोटी सी नगरी, छोटी सी कॉलोनी दुबारकला, और सुंदर सुंदर पहाड़, ऐसा मौसम रहा। देखिए, बारिश हो रही, मैं तो अभी थोड़ा थोड़ा बारिश में खड़ी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था, और आप भी देखिए, बहुत अच्छा मौसम रहा है। और लेकिन मौसम रोजी आजकल अच्छा ही रह रहा है, ऐसे ही रह रहा है मौसम। और अब आज देखो मौसम लग रहा हो रहा है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे को कुछ पता नहीं है। और होली को तो मैंने शुरुआत कर दी अपनी ब्लॉग की। आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग सलीला बिरोड़िया में। पहाड़ हमारे यहाँ पे सुंदर सुंदर सामने दिखते हैं सारे पहाड़ी। ये बानर और आई हो तो भर दिखने की पहाड़ हो, सुंदर पहाड़ों में, सुंदर सुंदर वादियों में स्वागत है भाई आपका। देखिए, कभी आइए हमारे पहाड़। कोई बच्चे बाहर, कोई बाहर के लोग देख रहे हैं तो थोड़ा खाना धोना पूजा मंदिर का सफाई कर देती हूँ। चाय है वो एक दूसरी चाय है, और डाल का पेपर नाश्ता भी हो रहा है, और एक दूध भी सुन रहे हैं, और बस सुनना ही है। अदरक, इलायची, तुलसी, देखिए ये है मेरा मंदिर का कमरा। लेकिन यहाँ पर मैंने पर्दा लगा रखा है कि बेड भी लगा रखी, कभी उन्होंने ना एक बेड भी लगा रखी, यहाँ कभी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ भी मेहमान लोग आते हैं। तो बाहर हो रही है आज बारिश, और मेरे को एक दो घंटा कुछ कुछ करने की आदत है, सुबह को 11 बजे तक कुछ कुछ करती हूँ। आज मेरा बाहर का कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। मैं सोचे एक आध घंटा अपना मंदिर में थोड़ा सा ढोलक वोलक जाकर के संभालन कर लेती हूँ, और मेरा टाइम पास जाएगा, बस ऐसी है। ज़्यादा देर तक इसीलिए मैं अभी ऊपर बैठ में बैठी हूँ, और ऊँचे ऊँचे में बैठने के मंदिर में नीचे ज़्यादा देर तक नहीं बैठती हूँ, थोड़ा देर 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि मेरा कमर का ऑपरेशन है, इसलिए ऊपर बैठी हूँ, ऊपर बैठ के वही कर रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी तोरे और पापड़ा साग, बनो हम, रुक जाओ लगा। आज मैं बनाऊं तोरे और पापड़ा साग भात, पापड़ मतलब अरबी, अरबी के उसकी सब्जी, गाबे की अंदर का जो निकलता है, और भात बनाने हो जाएगा। ये एक बार धोने को कुछ नहीं ना, दोबारा एक बार धोने को कुछ नहीं। अरे खाओ यार, मेरे पकड़ो पकड़ो ना, इधर आओ। हाँ लाओ, अगड़ी का पोथा, अगड़ी का पोथा टाइप में है, एक अगड़ी का सलाद के लिए हो जाता है, पोथा टाइप अगड़ी का केड़ा मेड़ा है ये, क्या तुम्हारे ये काटे हैं पापड़ के साथ, छील लें इसको, और देखिए ऐसे छीलते हैं इसको, जगह नहीं होना तो छिक लिया रे मणि, तो छिको से टाइम कर आया था, इसको तो दाग लग जानी। हाँ छिको से टाइम कर आना था, इसको तो दाग लग जानी आराम, इसके दाग लग जाते हैं ज़रा, इसलिए वो लगता है। और धोने में ज़रा सावधानी से धोएं, खूब ज़्यादा पानी में छल बल करके धोने, थोड़ा थोड़ा खुजली होती है। और सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, बनाती हूँ अभी।
ابھی صبح 8:30 بجے تک خوب رم جم رم جم رم جم بارش لگی تھی. ابھی دیکھو کتنا اچھا ہوا موسم, بالکل دھوپ آ گئی اور کوہرا بھی اب دھیرے دھیرے کر کے چھٹنے لگ گیا. اچھا لگ رہا ہے. یہ ہمارے گھر کے سامنے سے جو پہاڑ دکھتے ہیں وہی پہاڑ ہیں. دیکھیے سبزی میں نے دھو دی اور ہری مرچ توڑے اور عربی کے ڈنٹھل گابے مطلب, اور ایک ککڑی کا تو ہم سلاد بنائیں گے اور انہیں چھیل سال کے تیار کر دی. لہسن پیاز چھیل لیں پھر کاٹ دیا جاتا ہم مشین کو. پھر بنا لیا آج تورئی پاپڑ کی سبزی, توریا پاپڑ ساگ گابلا اور بھات. دیکھو بدھائی پوسو ہم بڑوں تم کسی بتو کسی بڑو دیکھا اور کیسے بنتی ہے دیکھتی ہوں. ابھی دیکھنا میں نے ہم کو سب تڑک کے سامان کھانے کی بات ہے. پیاز لہسن کے پتے سوکھا لہسن اور باقی گرم مسالے ہینگ جیرا یہ میرا تڑکے کا سامان ہے. باقی ہلدی مسالہ پاؤڈر کو ڈال دیں گے. ٹماٹر ڈال دیا ہے میں, ٹماٹر بالکل خراب ہوئے ہیں. دیکھو 180 روپئے کلو ہے یہ, اور اس سے خراب ہونا کسی بھی کرنا ہے ٹائم ہو گیا. پانی ڈال دی میں سبزی مسالہ بھونج لیتے ہیں اور سبزی ڈال دی میں نے. برسات کی سبزی کو بنا پانی کا ہی بنا دی, کبھی بھی پانی ڈال دوں اس میں پکوں گا. گیس کم کر دی میں نے اور تھوڑا دیر کو پکنے لوں گی, پک جائے گا نا. کھیت میں خالی بندر نے کھا کے لیکن وہ کبھی نہیں بناتی. ساگ تو فرائی کرنا اس کا کھانچی ہو لیکن ساگ کے ساتھ پکڑے نا سارے کو گرم ڈالنا پڑے گا اس میں. لٹ پٹ بنا ہوگا تو لٹ پٹ میں بڑا پناؤ گا اپنا ساگ اور بھات اور مٹ. دیکھو کیسا ہو رہا, چکھ کے دیکھنا آج ہوتی میرے کو تو لگ رہا اچھا ہو رہا ہوگا. تمہاری پلیٹ دوسری پوری پلیٹ نمک لگا کے ککڑی بڑھیا آ رہا بہت. لہسن کا نمک مست مزہ آ رہا دیکھو. شام کے بج گئے 5 اور ہم جا رہے گھومنے. دیکھو میں اور میرے دوست لوگ بچہ کی ممی لوگ ابھی پھر ملتے ہیں تم سے شام کو. کام جیسا ہو رہا ہے موسم یہاں, بادو بادو گھام.